कंडेल नाम से तो बहुत ही छोटा है, लेकिन यहाँ का जो इतिहास है वह बहुत ही बड़ा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मेहताब साहू और मेरे आर्ट वाले चैनल में आपको सबका स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो के टाइटल में पढ़ ही चुके होंगे, हिस्ट्री ऑफ माई विलेज, तो यह एक पेंटिंग के जरिए से आपको उस वक्त जो घटना हुआ रहा होगा उसी को अपने सोच व कल्पना के माध्यम से इस कागज में उकेरा हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आर्ट से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे, तो बने रहिए। तो दोस्तों, यह घटना 21 दिसंबर 1920 की है, जो छत्तीसगढ़ रायपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर धमतरी जिले के ग्राम कंडेल की है, जो किसानों ने अंग्रेजी शासन के अत्याचार के खिलाफ विशाल आंदोलन चलाए। इसका नेतृत्व यहां के गांव प्रमुख बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने किया, जिससे प्रभावित तो होकर महात्मा गांधी स्वयं यहां चलकर आए। तो चलिए दोस्तों, इस इतिहास के विस्तार में चलते हैं। यहाँ अंग्रेजी शासन द्वारा लगाए गए सिंचाई टैक्स के विरुद्ध जल नहर सत्याग्रह हुआ तथा किसानों के ऊपर खेतों के लिए पानी चोरी का भी इंजाम लगाया गया था। टैक्स न पटाने के कारण यहाँ किसानों से उनके मवेशियों गाय को नीलामी के लिए ले जाया भी गया, जो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में किसानों का पहला सत्याग्रह था। दोस्तों, स्वाधीनता संग्राम में छत्तीसगढ़ अंचल के जिन सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनमें बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम बड़ा ही आदर के साथ लिया जाता है। वे कंडेल नहर सत्याग्रह के सूत्रधार थे। इसी के कारण 1920 में गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का जन्म 28 फरवरी 1889 को हुआ। उनके पिता कंडेल व भोथली के मालगुजार थे। उनकी माता का नाम रेवती बाई था। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव चाहते तो अपनी पैतृक संपत्ति का उपयोग करते हुए ऐसो आराम की जिंदगी बिता सकते थे, परंतु उन्हें ऐसी जिंदगी पसंद नहीं थी। वे अपने गांव के बहुत ही प्रिय सम्माननीय थे। दोस्तों, वे विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में रुचि लेने लगे थे। इस विशाल नहर सत्याग्रह में उनके सहयोगी पंडित सुंदरलाल शर्मा तथा नारायण राव मेघा वाले प्रमुख थे। जब देश भर में विरोध की लहर उठने लगी थी तो वे भी इससे अछूते नहीं रह सके। और हमें गर्व है कि हम इसी गांव के ही निवासी हैं। धन्यवाद।